कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है जयदीप आमिटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी और आज हम बात करने वाले हैं डिफ्रेक्शन के बारे में हमने इंटरफेरेंस पढ़ा हमने वाई की बात करी अब आते हैं डिफ्रेक्शन पे डिफ्रेक्शन मतलब क्या तो अगर इसका सीधा सा मतलब देखा जाए तो होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स राउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल मतलब कोई वेव अगर चल रही है इस तरीके से और अगर यहाँ पे आपने बीच में एक ऑब्स्टिकल रख दिया तो इसके कॉर्नर से जब ये वेव निकलेंगी तो यहाँ से ये यह डिफर कर जाएंगी या यहाँ से ये यह स्प्रेड कर जाएंगी तो इस स्प्रेडिंग को बोलते हैं डिफ्रेक्शन जैसे साउंड की अगर बात करो तो एक कमरे में अगर साउंड हो रहा है तो आप दूसरे कमरे में उसे सुन पाते हैं क्यों क्योंकि वेव जब ट्रैवल कर रही हैं तो वो जरूर नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं वो जब टकरा रही हैं तो वो मुड़ जा रही हैं जब वो कॉर्नर से टकराती है किसी ऑब्स्टिकल पे टकराती है तो वो स्प्रेड हो जाती है इसे बोला जाता है डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन अब लाइट में भी ये होता है इसलिए आप देखते हैं कि कमरे में मान लीजिए आपने लाइट लगा दी और बाहर कमरे के जस्ट गेट के बाहर आपको हल्की सी रोशनी वहां पे दिखाई देती है क्यों ऐसा लाइट वहां पे डायरेक्ट तो नहीं आ पा रही थी लेकिन गेट बंद है लेकिन फिर भी हल्की सी रोशनी आपको उधर दिखेगी वो किस वजह से आ रही है क्योंकि गेट के नीचे जो

लाइट आपको यहाँ पे हल्की हल्की दिखती है जो लाइट यहाँ पे है वो हल्की हल्की से इस तरफ वाले पोर्शन पे भी आ जाती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि लाइट जो यहाँ पे टकराई थी वो बेंड होके थोड़ा सा अंदर की तरफ भी आ जाती है स्प्रेड हो जाती है तो जो एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट शेडो बनना चाहिए था वो नहीं बनता आप कभी भी किसी शेडो के एकदम बाउंड्री पे देखोगे तो वो इंटेंसिटी थोड़ी सी होती है वहां पे ज्यादा होती है लाइट वहां पे थोड़ी सी मिलती है आपको किस वजह से, से हो रहा है ये डिफ्रेक्शन की वजह से हो रहा है क्लियर बात तो अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो मैं जल्दी से डेफिनेशन दे आपको ज्योमेट्रिकल शेडो ज्योमेट्रिकल शेडो मतलब ये जो शेडो बन रही है इसके अंदर इनका आ जाना एनक्रोचमेंट इन द जोमेट्रिकल शेड ऑफ ऑब्स्टिकल इज डिफाइंड ऑफ लाइट क्लियर है बात यहाँ तक अब इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए रिफ्रेक्शन कब पॉसिबल हो सकता है अगर इसकी बात करें तो कंडीशन फॉर रिफ्रेक्शन सीधा सा एक ही कंडीशन है कि जब ऑब्स्टेकल जो है उसकी साइज लाइट के वेवलेंथ की साइज के कंपेरेबल होगी या उसके लगभग लगभग इक्वल होगी तो हम कहेंगे कि वहां पे डिफ्रेक्शन हो पाएगा तो दिस इज नेसेसरी कंडीशन अब लिख सकते हैं यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफ्रेक्शन क्या हो जाएगा जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल मान लीजिए साइज ए है मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव तो इस केस में यहाँ पे ऑब्स्टिकल सॉरी डिफ्रेक्शन हो पाएगा मतलब बोल सकते हैं कि A अगर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू है तो ये कंडीशन बनेगी आपके डिफ्रेक्शन के केस की ठीक है ये नेसेसरी कंडीशन से ऑब्स्टिकल अगर बड़े हैं और वेवलेंथ छोटी है तब भी ये पॉसिबल नहीं है अगर वेवलेंथ बड़ी और ऑब्स्टिकल छोटा है तब भी ये पॉसिबल नहीं है मतलब दोनों ही लगभग लगभग बराबर साइज के होने चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्रेक्शन हो पाएगा क्लियर एक कंपेरिटिव स्टडी मैं आपको यहाँ पे देता हूं स्टडी क्या कह रही है देखिए अगर वेवलेंथ ज्यादा है ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ द वेव हायर विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिफ्रेक्शन जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा इसके डिफ्रेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी क्लियर और यही रीजन है कि यही रीजन है कि जो साउंड का डिफ्रेक्शन होता है वो ज्यादा होता है जबकि लाइट का डिफ्रेक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है इसलिए आप अगर एक कमरे में लाइट लगाते हैं तो दूसरे कमरे में उसकी रोशनी नहीं पहुंचती लेकिन एक कमरे में आप आवाज करेंगे तो दूसरे कमरे तक तो उसकी आवाज पहुंचेगी क्लियर है तो डिफ्रेक्शन जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके डिफ्रेक्शन ज्यादा होगा ऑब्वियसली बात वहां पे क्या होना चाहिए कि जो ऑब्स्टिकल हैं, उनकी साइज और साइज कंपेरेबल होनी चाहिए तभी ये डिफ्रेक्शन हो पाएगा तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि साउंड का डिफ्रेक्शन ज्यादा होता है लाइट से क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है साउंड हो गया रेडियो वेव हो गया इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इनका रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा और अगर बात करें ऑब्स्टिकल और वेवलेंथ के साइज का अगर कंपेयर करें वेवलेंथ ऑफ साउंड इज नियरली इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इफ साइज ऑफ ऑब्स्टिकल ए एंड वेवलेंथ इज लैम्डा देन अगर ए लेमडा से बहुत छोटा है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर बहुत छोटा है से से तब भी डिफ्रेक्शन नहीं होगा अगर ए बहुत बड़ा है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज मच मच मोर देन लेमड़ा तब भी डिफ्रेक्शन नहीं होगा जब दोनों कंपेरेबल होंगे तब भी डिफ्रेक्शन पॉसिबल है तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ ये दोनों अगर कंपेरेबल साइज के हैं तभी डिफ्रेक्शन हो पाएगा अदरवाइज डिफ्रेक्शन नहीं होगा क्लियर है बात अच्छा से आगे बढ़ते हैं

जो सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करते हैं ये बात हमने करी थी कि वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह जिसे सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं वो बिहेव करता है वैसा एक सोर्स की तरह तो इसका हर एक पॉइंट अगर एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है और क्योंकि ये सारे पॉइंट एक ही वेवफ्रंट पे हैं मतलब ये सारे ही सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हैं लार्ज नंबर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे आप

डिफ्रेक्शन ऑप्स्टिकल क्लियर यहाँ तक बातें तो डिफ्रेक्शन कैसे होगा जो वेव फ्रंट मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्स्टिकल आपने बना रखा है इस तरीके से ठीक है यहाँ से जो वेव फ्रंट आया ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल की साइज के जो साइज ए है दिस साइज इक्वल टू है्रॉक्सिमेटली बहुत छोटा ऑब्स्टिकल है ये जो फ्रंट आया जब टकराया जो टकराने के बाद जो इसके वेट है यहाँ यह बिहेव कर रहे हैं और उसकी वजह से फिर से यहाँ पे सुपर पोजिशन होगा और वो डिफ्रेक्शन कहलाएगा क्लियर तो डायग्राम्स हम ऑब्वियसली बड़े बनाते हैं लेकिन साइज आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कंपेरेबल टू वेवलेंथ के बराबर है बहुत छोटे छोटे यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आपको दिखेंगे क्लियर अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं डिफ्रेक्शन के उस बारे में बात अगर कर, करें तो एग्जाम्पल्स इसके हैं When an intense source of light is viewed with partially opened eyes, colors are observed in the light. अगर आप एक सामने बहुत हाई इंटेंसिटी का एक बल्ब लगा दीजिए और उसको partially आँखों खुली आँखों से देखो, तो उसमें आपको हल्के से कलर्स दिखेंगे साइड side में. वो किस वजह से दिख रहे हैं? आपने आँखों को अपना कम कर लिया है मतलब आंखें जब छोटी कर ली हैं तो अब जो साइज है जिससे आपकी आंखों में रेज आ पा रही है वो बहुत कम साइज है तो जब पलकों पे जब टकराएगा वहां पे डिफ्रेक्शन होगा और उस वजह से आपको वहां पे कलर्स देखने को मिलेंगे इंटेंसिटीज अलग अलग देखने को मिलेंगी ऐसे ही जब साउंड प्रोड्यूस इन वन रूम कैन बी हर्ड इन द नियर बाय रूम ये बात कर ही चुके हैं अपियरेंस ऑफ अ शाइनिंग सर्कल अराउंड द सेक्शन ऑफ अ सन जस्ट बिफोर सनराइज जस्ट बिफोर सनराइज जब आती है तब भी वहां डिफ्रेक्शन होता है और कलर्ड स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इफ अ लाइट सोर्स एट द डिस्टेंस इज सीन थ्रू अ थिन क्लोथ अब ये सारी चीजें करके भी देख सकते हैं खुद से आपको वहां पे डिफ्रेक्शन सारा देखने को मिलेगा ठीक है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आप सारी चीजें करके देख सकते हैं अब आते हैं फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन पे फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन क्या कहते हैं देखिए डिफ्रेक्शन दो तरीके से पढ़ा जाता है या दो सेटअप आप कह सकते हैं कि उसके बना सकते हैं एक होता है फ्रेनल्स डिफ्रेक्शन और दूसरा होता है फ्रोनोफर डिफ्रेक्शन दोनों के सेटअप में बेसिक डिफरेंस क्या है अगर फ्रेनल का आप सेटअप बनाना चाहें तो अगर ये स्लिट है मान लीजिए यहाँ पे और जो सोर्स रखा है वो यहाँ का रखा हुआ है और सोर्स जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है कितने डिस्टेंस पे फाइनाइट डिस्टेंस पे तो मान लीजिए ये स्क्रीन हो गई, हो गई इधर सोर्स गया और ये आपका स्लिट प्लेन हो गया ठीक है तो यहाँ से जो लाइट चलेगी वो हम जानते हैं कि क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस पे इस तरीके से यहाँ पे चलेगी और डिफ्रेक्शन आगे होगा ऐसा कुछ यहाँ पे सेटअप बनने वाला है ठीक है इसको कहते हैं फ्रेनल्स डिफ्रेक्शन सेटअप हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो होता है फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन अभी फ्रॉन ऑफर में क्या डिफरेंस है जो फ्रॉन ऑफर है इसमें सोर्स और स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट फाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस कितना होगा आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब इसको अगर अपन साइड में बना लें तो ये तो फ्रेनल्स हो गया इसको अपने को नहीं पढ़ना है अपन बात करते हैं फ्रॉन ऑफर की इस केस में जो सेटअप बनता है वो बनता है कुछ ऐसा कि अगर ये स्लिट प्लेन है यहाँ पे तो आप स्क्रीन जो है और सोर्स जो है

तो ये स्लिट हो गया और सोर्स एट इन्फिनिटी ऐसा अपन मान सकते हैं यहाँ पे क्लियर है बात तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों सेटअप का हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रॉन ऑफर्स डिफ्रेक्शन पढ़ने वाले हैं अब इसमें कैलकुलेशंस तो हम आगे बढ़ के करेंगे पर बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रॉन डिफ्रेक्शन और फ्रेनल डिफ्रेक्शन में क्या मेजर पॉइंट्स uh, का डिफरेंट रहता है क्लियर बात

डिफ्रेक्शन केस में एक सोर्स ही काफी है इसलिए आप जिसके देख रहे हैं अभी आपने जो सेटअप देखा है सिंगल स्लिट सेटअप है यहाँ पे एक स्लिट बना रखी है सिंगल स्लिट यहां से जो लाइट आएगी वो डिफ्रेक्शन के बाद मतलब यहाँ से डिफ्रेक्ट होने के बाद आगे जाके मिलेगी इंटरफेरेंस वहां पर प्रोड्यूस करेगी क्लियर है बात तो पहली बात तो इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्सेज चाहिए जबकि डिफ्रेक्शन के लिए एक सोर्स काफी है दूसरी बात जो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस बनती थी वो सारी सेम की बनती थी जबकि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो फ्रिजेस बनेंगी वो अनइक्वल विड्थ की बनेगी हम इसका एक ग्राफ भी देखेंगे आपको ध्यान रखना है कि डिफ्रेक्शन में जो फ्रिंज विड्थ होती है वो अनइक्वल होती है हर फ्रिंज के लिए ऐसे ही विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिजेस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज जस्ट डबल टू दिंजे जो यहाँ पे सेंट्रल आप मान सकते हैं मैगजिम है, है के फ्रिजेसिजन में इंटेंसिटी जीरो नॉट जीरो मिलती है इस केस में की zero, मतलब इंटेंसिटी कम होती है मिनिमम होती है लेकिन एग्जैक्ट जीरो होती की इंटेंसिटी इक्वल होती है जबकि यहाँ पे जैसे जैसे फ्रिजेस अपन ऊपर चलते हैं वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है

जो यहां डार्क के केस में होता था वो यहाँ पे ब्राइट के केस में है, आपको बात तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है अगर इंटेंसिटी का हम इसमें वेरिएशन देखें इसका ग्राफ बनाए तो आपने बोला था कि इंटरफेरेंस केस में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये दो स्लिट्स बनती थी यहाँ पे और ये मान लीजिए स्क्रीन थी इस स्क्रीन पे लाइट जाके मिलती थी यहाँ पे इस तरीके से और इंटरफेरेंस होता था ये तरीका था अभी तक यहाँ पे अपने पास यहाँ पे जो इंटेंसिटीज बनती हैं सेंट्रल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बनती है मैक्सिमम ऐसी ब्राइट फ्रिंज बनती है और उसके बाद भी जो इंटेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली सेम चलती है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता हल्का वेरिएशन होता है जिससे आप ऊपर चलते हैं बहुत हल्का सा एक वेरिएशन आपको मिलेगा तो इस तरीके से इंटेंसिटी वेरी करेगी यहाँ इंटेंसिटी ग्राफ इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई फिर मिनिमम हुई मतलब मैक्सिमम हुई फिर जीरो हुई फिर मैक्सिमम हुई फिर जीरो हुई इस तरीके से इंटेंसिटी यहाँ पे वेरी करती है तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का पोर्शन है वो करस्पॉन्डिंग टू ब्राइट फ्रिंज बनता है जहां इंटेंसिटी जीरो है वो है वो टू डार्क फ्रिंज रहता और लगभग लगभग ये बिल्कुल सेम वेरिएशन चलता है ऊपर जाते जाते नीचे आते हल्का सा ये अब ग्राफ छोटे होने लगते हैं बहुत ऊपर जाने के बाद क्लियर है ऐसे ही बहुत नीचे आने के बाद ये ग्राफ हल्के अब छोटे होने लगते हैं इंटेंसिटी जो है वो कम होने लगती है लेकिन आप अगर डिफ्रेक्शन के लिए देखोगे तो डिफ्रेक्शन के के केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ तो सिंगल स्लिट होती है और इसे सिंगल स्लिट से जो डिफ्रेक्शन के बाद वेव जाके अपना मिल रही है इंटरफेरेंस सॉरी सुपरपोज कर रही है उस केस में जो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो बनेगा इंटेंसिटी का पैटर्न वो बनेगा कुछ ऐसा कि सेंट्रल फ्रिंज के तो ये मैक्सिमम रहने वाला है इस तरीके से लेकिन उसके बाद की जो भी हैं उसके लिए अचानक से ड्रॉप हो जाता है ऐसा इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे इंटेंसिटी का बनता है क्लियर इंटेंसिटी सेंट्रल फ्रिंज के करस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा है उसके बाद के जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसके लिए इंटेंसिटी लगातार कम होती जा रही है Clear? तो ये ये जो ग्राफ बनता है, ये बनता है है डिफ्रेक्शन के लिए इंटेंसिटी का या पैटर्न कह सकते हैं ग्राफ तो क्या बोलेंगे इसे तो बारे में फ्रॉन ऑफर डिफ्रेक्शन अपन पढ़ने वाले फ्रॉन ऑफर में हमने बोला है कि जो सोर्स है वो इंफानाइट पर रखा होता है मतलब जो वेव्स आएंगी वो बिल्कुल पैरेलल आएंगी एक दूसरे के इस तरीके से यहाँ पे डिफ्रेक्शन होगा डिफ्रेक्शन या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ऑब्स्टिकल है इस की वजह से ये अपने पास से डेविएट हो जाएंगी और हम जानते हैं कि ये जो ए है ये बहुत बड़ा नहीं है दिस ए इज इक्वल टू लेमडा ये हम बात पहले भी करते आए हैं तो यहाँ से ये अपने पास से वेरी हो जाएंगी वेरिएशन की वजह से लेंस के बाद जब आगे जाके एक जगह मिलेंगे और यहाँ पे सुपर पोज करेंगी तो हम यहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें देखना है कि डिफ्रेक्शन का पैटर्न कैसा होगा ठीक है और ऐसे इनफाइनाइट इन्फाइना की वेव्स निकल रही होंगी सभी कहीं कहीं वजह से हर जगह यहाँ पे कुण 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 पैटर्न बन रहा होगा क्लियर तो होगी या मिनिमम होगी वो हमें चेक करना है की कैसे हम इसमें देख पाएंगे तो यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है अपने पास कि अगर ये स्लिटविथ मान लीजिए ये डी है तो अपन डी लेके चलते हैं इसे, क्योंकि अभी तक अपने इंटरफेरेंस में भी डी पढ़ा था

N lambda, जो में होता था, वो क्योंकि यहाँ फ्रिंज विथ जो अभी हमने देखा था फ्रिंज भी यहाँ पे चेंज होती है तो हमें बेसिकली ये बातें यहाँ पे यूज करनी है अब तो हम हमेशा जो आ, देखेंगे फ्रिंज विथ की अगर बात करें फ्रिंज भी किसके बन बात कर रहे हैं यहां बात कर रहे हैं अपन सेंट्रल मैक्सिमा के करस्पोंडिंग सेंट्रल मैक्सिमा की अगर बात करें तो सेंट्रल मैक्सिमा कहां मिलता है सेंट्रल मैक्सिमा हम जानते हैं होता है अगर ये इसका ग्राफ बनाएंगे मान लीजिए यहाँ पे एक स्लिट बनाते हैं स्लिट से यहाँ स्क्रीन पे लाइट आ रही है डिफ्रेक्शन हो रहा है ठीक है तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा इंटेंसिटी का अभी जो हमने बनाया था वो कैसा बनाया था कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती थी उसके बाद इंटेंसिटी लगातार कम कम होती रहती है है इस इस तरीके तरीके से से और ऐसे ही अगर तो इंटेंसिटी लगातार कम होगी ठीक इस अब इसमें जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो कौन सी है वो यहां से लेके यहाँ तक दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्लियर जो फर्स्ट फ्रिंज हो जाएगी वो उससे अगली वाली हो जाएंगी ये दोनों तो हम इनकी अगर निकालना चाहें कितनी वैल्यूज की, की आती है तो कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं कि डार्क फ्रिंज देखते हैं हम जानते हैं कि भैया जो बन बन यहां बन रहा है 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 ये फर्स्ट डार्क डार्क फ्रिंज फ्रिंज रही रही सेकंड इस तरीके से ठीक है ऐसे यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये बन रही है और यहाँ पे भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ पे बन रही है सेकंड डार्क फ्रिंज यहाँ पे बन रही है ठीक है तो इनके करस्पॉन्डिंग अगर अपन वैल्यूज देखें तो इसको अगर एक्स बोलता हूँ यहाँ से ऊपर अगर एक्स सॉरी यहां से इस तरफ अगर अपन बोले x2 ऐसा करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपकी वैल्यू आ रही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के करस्पोंडिंग तो यहां से जो अपने को वैल्यू मिलती है द डिस्टेंस बिटवीन टू सेकेंडरी मिनिमा द डिस्टेंस बिटवीन टू सेकेंडरी मिनिमा On two sides of central maxima is known as the width of the central maxima. ठीक है, अब कितनी आ जाएगी तो इसका जो फॉर्मूला आता है width of the central maxima का वो आता है w is equal to two lambda by d के बराबर. This is the width of the central maxima. Clear? यहां से अगर आपको एंगुलर पूछा जाए कि बताइए एंगुलर सेंट्रल कितना हो जाएगा तो हम जानते हैं वो वो भी कैसे लिखा जा सकता है डिवाइड बाय डी कर देंगे एंगुलर ऑफ सेंट्रल जाएगा बाई कैपिटल डी अगर कर देंगे तो एंगुलर विथ मिल जाएगी आपको तो मैं लिख सकता हूँ

आपसे बोला गया कि बताइए जो थर्ड मिनिमा है उसकी पोजिशन क्या होगी तो थर्ड मिनिमा के आप एन को हैं, थ्री के बराबर, साइन थीटा में आपने वाई रख दिया, यहां से वाई निकाल सकते हैं मिनिमा अच्छा आपसे अगर बोले कि सेकंड मैक्सिमा की, की पोजीशन क्या होगी तो हम जानते हैं सेकंड मैग्जिमा पे होगा सेकंड मैक्सिमा होगा सेकंड मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच में क्लियर तो वहां से आप सेकंड मिनिमा निकालिए थर्ड मिनिमा निकालिए दोनों के एवरेज ले लीजिए वो आपको सेकंड मैक्सिमा की पोजीशन दे देगा तो आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं वो हमेशा मिनिमम वाले इक्वेशन uh, को लेके सॉल्व करने हैं एक तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दूसरा रिफ्रेक्शन मिनिमम ये दो बातें आपको यहाँ से हमेशा ध्यान रखनी है क्लियर है चलिए कुछ बातें यहां इससे रिलेटेड अपन लिख सकते हैं

क्योंकि डी जो है वो लेम्बा के साइज के बराबर होना चाहिए स्लिट फिट जो है के बराबर होना चाहिए अगर इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी यहाँ पेक्शन की कम होती जाएगी सुपरपोजिशन दिखाता है डिफ्रेक्शन भी और इंटरफेरेंस भी अगर सुपरपोजिशन वेव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम टू सोर्सेज जनरेट इंटरफेरेंस को सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेकेंड्रीवलेट्स जनरेटेड फ्रॉम सेम फ्रंट कॉल्ड डिफ्रेक्शन एक ही वेवफ्रंट के अलग अलग वेवलेट्स से जो निकलती हैं, उनके सुपर पोजिशन से डिफ्रेक्शन होता है जबकि सेकेंडरी से निकलती हैं, उनके से होता है जबकि डिफ्रेक्शन में अनइक्वल है, है, बनती हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न जो होता है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज डिफरेंट बट फॉर इंटरफेरेंस इट इज इक्वल यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी डिफरेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ डार्क इंटरफेरेंस इज जीरो बट यहां पे ये एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो नहीं होती मिनिमम होती है लेकिन जीरो नहीं होती डिफेक्टिव डिफ्रेक्शन कैन बी बब्जर्व इन ओनली ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ एंड ये बात भी ठीक है जो शेडो यहाँ बन रही थी उसमें हमने बोला था कि थोड़ी थोड़ी लाइट यहाँ इसके कॉर्नर्स पे हम बोल सकते हैं कि फेरी फेरी पे मिलती है तो ज्योमेट्रिकल शेडो के एंड रीजन में यहाँ पे मिलती है एंड डिफ्रेक्शन ब्राइट सेंट्रल फ्रिंज

जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है अब इस केस में सोचो कोई एक मटेरियल रखा है जहाँ से लाइट इमिट हो रही है उसमें नंबर ऑफ एटम्स वहां पे हैं, नंबर ऑफ जब एटम्स है नंबर ऑफ चार्जेस उनपे हैं तो वो सारे चार्जेस रैंडमली एक्सेलरेट हो रहे हैं और अपने अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं अब इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक जनरेट हुई है वेव जनरेट हुई हैं उन सबके सुपर पोजिशन से जो वेव बनी वो हमें फाइनली लाइट के रूप में दिखती है अब सोचो कि हर एक वेव जो एक चार्ज जनरेट कर रहा है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फील के डायरेक्शन हैं वो हर एक वेव के लिए अलग अलग हो सकती हैं रैंडम हो सकती हैं तो इसलिए जब सारी वेव सुपरपोज पोज होकर एक जगह मिलती हैं तो वो जो वेव आपको मिलती है उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है क्योंकि हम आई की सेंसिटिविटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो जो वेव वहां पे आती है उस वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हर तरफ हो सकती है मतलब रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है इस तरफ भी है इस तरफ भी है इधर इधर हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हो सकता है अब सोचो अगर बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हैं अपने पास एक लाइट में ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स रैंडम वेक्टर्स दुनिया भर के ठीक है क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मैं इन सारे वेक्टर्स को इस दोनों डायरेक्शन में रिजोल्व कर सकता हूँ ऑफकोर्स कर सकता हूँ क्यों क्योंकि हर वेक्टर का

अनपोलराइज लाइट इसे कहते हैं अनपोलराइज लाइट जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है और obviously दोनों डायरेक्शन कैसी होंगी वेलोस्टिकुलर दोनों डायरेक्शन होंगी ठीक है ऐसी लाइट को कहते हैं अनपोलराइज लाइट अब ये जो अनपोलराइज लाइट है इसे हमें प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है तो प्लेन पोलराइज इज अगर हम इन वाइब्रेशन को जो आपने बोला कि किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो सिर्फ एक एक्सेस की तरफ हो या तो एक्सएक्स में हो या वाई वाई में हो या जेड जेड में हो ऐसा अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो मैं यहाँ कह सकता हूँ भैया कि ये जो लाइट हो जाएगी कैसी लाइट हो जाएगी प्लेन इज लाइट हो जाएगी ठीक है अब इनको दिखाते कैसे हैं तो जो अनपोलराइज लाइट होती है उसे इस तरीके से दिखाया जाता है ये और बीच में डॉट दिस इज इजराइज लाइट ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि ये दो चीजें क्या दिखा रही है ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है डॉट दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेरी कर रहा है और इस तरफ वेलोसिटी है ठीक है तो जब दोनों है तो ये कहलाती है अनपोलराइज लाइट अगर आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दो कि जो लाइट चल रही है वो सिर्फ या तो ये वाले कंपोनेंट को लेके चल रही है या फिर वो सिर्फ इस वाले कंपोनेंट को लेके चल रही है तो ऐसी लाइट को अपन बोलेंगे पोलराइज़्ड लाइट प्लेन पोलराइज़्ड लाइट तो अपना काम यहाँ पे रहेगा कि अपन इस अनपोलराइज़्ड लाइट को प्लेन पोलराइज़्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकें ठीक है अब आप ये भी सोच सकते हो कि जब ये अनपोलराइज़्ड लाइट थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो दो एक्सिस की तरफ था अब आप इसको जब प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो ये सिर्फ एक की तरफ बच रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ये हाफ हो जाती है लाइट की। तो ये बात भी आप यहां कर सकते हैं कि light, तो मैं को लिखूंगा यहाँ पे यू पी एल इसको लिखूंगा पीपीएल So when unpolarized light is converted to plane polarized light, then its intensity reduces to half. ठीक है और ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पे बेस्ड बनते हैं इंटेंसिटी बेस्ड पोलराइजेशन में तो दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट इस पे आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे बनते हैं फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और जो पोलराइजेशन है वो एक प्रूफ है वेव नेचर का क्योंकि यहाँ पे हमें समझ पाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरी कर रहे हैं उसी की वजह से यहाँ पे वेव आगे बढ़ पा रही है तो पोलराइजेशन इज अ प्रूफ फॉर वेव नेचर ऑफ द लाइट अब बात करते हैं कि ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या है प्लेन पोलराइज हो गया Sorry, uh, partially polarized light क्या है तो partially polarized light मतलब ऐसी ऐसी जिसमें दोनों तरफ के component हो, लेकिन exact बराबर ना हो, जैसे अगर एक light ऐसी है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस पोजीशन पे दोनों हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये यह है यहाँ पे सिर्फ ये यह है।, है फिर आगे चलें तो फिर दोनों है इस तरीके से कोई भी अगर रैंडम तरीके से यहाँ पे दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसे लाइट होगी पार्शली पोलराइज लाइट जिसमें दोनों ही है लेकिन दोनों अलग अलग मात्रा में है ठीक है तो इफ इन केस ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक वेक्टर इन सम प्लेन इज आइदर मोर और लेस देन इट इज इन इट्स परपेंडिकुलर प्लेन द लाइट इज सेड टू बी पार्शली पोलराइज पोलराइज लाइट ठीक है क्लियर है अब अपन बात करते हैं कि पोलराइजेशन के मेथड्स क्या क्या हैं तो जो पहला मेथड आता है वो आता है रिफ्लेक्शन का मेथड कौन सा बाय रिफ्लेक्शन तो ये जो आपके पास है दिस मेथड इज बाय रिफ्लेक्शन फर्स्ट मेथड बाय रिफ्लेक्शन ठीक है तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है भैया ये मेथड कहता है कि एक साइंटिस्ट है Brewster. क्या नाम था ब्रूस्टर इन्होंने ये डिस्कवर किया कि भाई जब लाइट एक इंसिडेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ट्रांसपेरेंट तो सब्सटेंस जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली प्लेन होती है जिस है जिसमें वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस के ये उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया ठीक है तो जो लाइट आई ये अन लाइट आ रही है जिसमें दोनों तरफ के कंपोनेंट्स हैं दोनों प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहे हैं ये जब लाइट इस पर्टिकुलर एंगल पे जिसको आपने बोला इंसिडेंस एंगल दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल ठीक है दिस एंगल इज ब्रूस्टर्स एंगल इस पर्टिकुलर एंगल पे जब लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज थी और वो पोलराइजेशन किस प्लेन uh, पे हुआ जो ये वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये पोलराइजेशन हुआ देख पा रहे हैं जो कंपोनेंट्स बचे वो कौन से वाले हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर थे वो वाले कंपोनेंट यहाँ पे बचे हुए हैं तो ब्रूस्टर ने ये बोला था उन्होंने ये बात देखी थी तो उन्होंने इसको एंगल एंगल का नाम दिया और ब्रूस्टर कितना होता है तो हम लिख सकते हैं या इसको पोलराइजिंग एंगल भी कहते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिव मीडियम से रिलेट करता है सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं थीटा के बराबर ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल भी कभी कभी बोलते पी भी लिखा आ सकता है बट दिस इज ब्रूस्टर्स एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल पे अगर इंसिडेंस होता है तो हम कहेंगे कि वहां पे पोलराइजेशन हो पाएगा रिफ्लेक्शन केस में और पोलराइजेशन किस प्लेन में होगा पर्पेंडिकुलर प्लेन इस पूरे सेटअप के ठीक है क्लियर बात यहां तक अच्छे से ठीक है। इसमें जो एक बात और यहां उन्होंने बोली कि इस पर्टिकुलर एंगल पे जो दोनों लाइट्स होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी दोनों लाइट कौन सी ये तो है रिफ्लेक्टेड रे और ये कौन सी है रिफ्रेक्टेड रे ठीक है तो जब लाइट इंसिडेंट हुई यहां पे, इंसिडेंट लाइट दो पार्ट में चली गई एक रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी रिफ्रेक्ट हो गई

दोनों हैं या फिर यहाँ पे सिर्फ एक है एक है ऐसा पार्शली पोलराइज्ड लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बनती है क्लियर है और अगर ये एंगल ब्रूस्टर एंगल के इक्वल नहीं है लेट्स से दिस इंसिडेंस एंगल इज नॉट इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल तो ये जो दोनों ही रे चलेंगी ये दोनों ही पार्शली पोलराइज हो जाएंगी कोई भी प्लेन पोलराइज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इफ दिस एंगल इज नॉट ब्रूस्टर्स एंगल तो

जो आप स्काई को ब्लू देखते हो वो भी यही है स्काई का ब्लू होना भी आ, इसी वजह से होता है जो लाइट सनलाइट ऊपर से आ रही है वो स्केटर होने के बाद पोलराइज हो जाती है उसकी वजह से स्काई अपने को ब्लू दिखता है वहां पे ग्लेयर भी बढ़ जाती है और ग्लेयर को कम करने का तरीका यही है कि आप वहां पे अः पोलराइड जो फिल्टर होते हैं वो यूज करो उनको यूज करने से जो ये पोलराइज़्ड वेव्स आ रही हैं जो ग्लेयर प्रोड्यूस करती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं और उसके बाद ग्लेयर कम हो जाती है ये वहां का तरीका है ऐसे ही पोलराइज़ेशन रिफ्लेक्शन से भी हो सकता है किसी दो ट्रांसपेरेंट मीडिया पे की बाउंड्री पे अगर लाइट आगे गिरती है पोलराइज़ेशन बाय रिफ्लेक्शन की अगर बात करो

क्लियर है तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अपन पोलराइजेशन अचीव कर सकते हैं अब बात करते हैं इनकी इंटेंसिटी पे अब अगर एक पोलरॉइड यूज किया गया जो कि पोलराइजेशन का, का काम करता है अब बेसिकली इसको एक मैश की तरह मान सकते हैं ऐसा मैश बना हुआ है यहाँ पे पूरा इस मैश में ऐसा इस तरीके से पाथ है जिसमें से कोई आ जा सकता है अब मान लीजिए इसमें से लाइट आती है लाइट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टेरिया अपन ने बात करे थे एक ऐसा है और एक ऐसा है अगर सोचो ये इससे पास होता है तो कौन सा वेक्टर यहाँ से पास हो जाएगा जो इसके पैरेलल है वो वाला पास हो जाएगा लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है वो यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा तो ये पोलराइज कर देगी उस लाइट को अब सोचो अपन इसको जनरल फॉर्म में बात करें एक जनरलाइज वे में अगर इसके लिए बात करें तो क्या कर सकते है? हम हैं हम मानते हैं जैसा डायग्राम में दिखा रखा है ये पोल, ये पोलेरोड है इस पोलेरोड पे जो वेव आ रही है

तो इसमें से कौन सा वाला पास हो पाएगा ये ए कॉस्टिटा वाला कंपोनेंट इससे पास हो पाएगा क्योंकि ये पोलोरोइड के एक्सिस के पैरेलल है ए साइन थीटा वाला यहाँ ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है तो बाहर कौन आ पाएगा सिर्फ ए कॉस्टिटा वाला कंपोनेंट बाहर आ पाएगा तो सोचो अगर एक प्लेन पोलराइज लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है आई नॉट अगर मैं बोलूं तो डिपेंड करती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर स्क्वायर, पे, के ठीक है? अब अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पोलरॉयड से पास होना चाहती है थीटा एंगल पे तो हमने देखा कि थीटा वाला पास हो पाएगा लेकिन थीटा वाला पास नहीं हो पाएगा तो अगर ये लाइट मैं लिख लेता हूं इज इंसिडेंट ऑन अ दिसड

जो बाहर निकल के इंटेंसिटी अपने को मिलने वाली है इसको मैं आई लिखता हूँ तो वो हो जाएगा ए कॉस थीटा के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्योंकि जो पहले वाली लाइट थी उसका एम्पलीट्यूड ए था लेकिन जो ब्लाइट बाहर आई है उसका एम्पलीट्यूड अब कितना है आपके पास सिर्फ ए कॉस थीटा के बराबर जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो इसके प्रोपोर्शनल मिलेगी तो अगर मैं लिखूं इंटेंसिटी विल बी के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर एंड व्हाट इज के ए स्क्वायर दिस इज आई नॉट तो मैं लिख सकता हूं कि जो नई इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्लियर है बात तो ये जो लॉ है दिस लॉ इज कॉल्ड इज मैलस लॉ और ये आपको बताता है कि भैया एक अगर पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट किसी पोलराइड से पास होती है उसके ट्रांसमिशन एंगल से थीटा एंगल बनाते हुए तो जो इंटेंसिटी फाइनली बाहर आएगी वो कितनी आएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के करस्पॉन्डिंग क्लियर अब अगर अपन इनकी बात करें वैल्यूज देखें तो मान लीजिए एक अनपोलराइज लाइट अगर इससे बाहर आना चाहती है ठीक है मैं इसमें केसेस देखता हूँ फॉर अनपोलराइज लाइट अनपोलराइज लाइट मतलब हर डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा होगा इधर इधर इस तरफ इस तरफ हर तरफ हो रहा होगा वेरिएशन अब सोचो जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ट्रांसमिशन एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उन सबका कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बन रहा होगा इस ट्रांसमिशन एक्सिस से अगर उन सबके करस्पोंडिंग अपन इंटेंसिटी देखना चाहें तो जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो आई एवरेज कितनी आएगी

अब आप ऐसा मान लीजिए कि आपने यहाँ पे दो पोल रख लिया ठीक तो है अगर के के एक केस आपने ये लिया है दूसरा केस आपने ये लिया है कि दो पॉलिरोड है लेकिन इस बार उनके ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर आपने रख दिए हैं। क्लियर ऐसा आपने बता रखा है इनमें जब दो रखते हैं तो जनरली एक को कहते हैं पोलराइजर और दूसरे को कहते हैं एनालाइजर ठीक है तो सोचो जब एक लाइट इंटेंसिटी की आई है लेट्स से आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट थी वो इस पोलराइजर से पास हुई और उसकी इंटेंसिटी हो गई आई वन क्लियर है वो जब इससे पास होती है तो इसकी इंटेंसिटी हो जाती है आई वन ओके अब जब वो इस एनालाइजर से पास होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ अगर यहाँ से इंटेंसिटी बाहर आती है, I2 हो जाती है तो कि कितना से से जब सेकंड पे जाएगी तो अब वो प्लेन पोलराइज लाइट है जो सेकंड एनालाइजर वहां पे रखा हुआ है उसके करस्पोन्डिंग उसका जो एंगल बनता है उससे आई टू इक्वल टू आई वन कॉस स्क्टर थीटा डैश जो भी अब यहाँ एंगल बन रहा है थीटा डैश के करिस्पॉन्डिंग अब सोचो इस फर्स्ट केस में ये दोनों ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल हैं तो जो भी पोलराइजेशन यहाँ से होके आया होगा वो दूसरे वाले से तो सिदा -सिदा पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिग्री है तुम बोल सकता हूं कि I2, I1 के बराबर हो जाएगा सेम इंटेंसिटी बाहर आ जाएगी लेकिन अगर इस केस में बात करूं तो यहाँ से जो लाइट बाहर आएगी वो इस तरीके से आएगी ये कौन सी लाइट को जाने देना चाहता है ये ऐसी वाली लाइट को जाने देना चाहता है अब

दोनों परपेंडिकुलर रख दिए गए और अगर दोनों पैडल रखे गए हैं तो दोनों से बराबर लाइट बाहर आ पाएगी और अगर मान लीजिए दोनों के बीच का कोई एंगल होता तो फॉर्मला तो अपने पास है ही इतनी लाइट यहां से बाहर आ पाती क्लियर है सारी बातें आपको अच्छे से पक्का अच्छा अगर कोई ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है उसको अपने को पोलराइज करना है तो कैसे कर सकते हैं मैकेनिकल वेव मतलब वो स्ट्रिंग वाली वेव आप बोल सकते हैं उसको अगर मुझे पोलराइज करना है तो बिल्कुल सेम तरीका है आप यहाँ कार्डबोर्ड काट के उसमें एक स्लिट काट के लगा दीजिए अब उसके अंदर से आप वेव को भेजिए अगर वेव बिल्कुल सीधे सीधे से निकल जाती है यहाँ से तो ये पोलराइज वेव है एक ही डायरेक्शन में पूरी चल रही है अगर पोलराइज नहीं है तो यहाँ पे अटक यह जाएगी तो इसका जो एक कंपोनेंट है जो इसके पैरेलल है वो यहाँ से पास हो पाएगा दूसरा वाला पास नहीं हो पाएगा ये इसका तरीका है पोलराइजेशन का

रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ठीक तो है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय पढ़ते रहिए कोई डाउट है तो पूछिए